थी 6C का है, अब तो क्वेश्चन नंबर 15, आज हम करेंगे 16 से, ठीक है। देखो 16 क्वेश्चन है, इसमें कहा है फाइंड द प्रोडक्ट, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है 24x2, 24x2 इंटू 1 माइनस 2x, ठीक है, एंड इवेल्यूएट एक्स इक्वल टू 2। क्या कह रहा है? एक्स इक्वल टू 2 है, चलने लगा धीरे धीरे। एक्स इक्वल टू 2 है तो इसकी फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो पहले क्या करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट का है ना, फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसा होगा, 24x2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 24x2 मल्टीप्लाई 2x, ठीक है। वैसे हम इसमें थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा मैं आपको। 24x2 की 1 में करेंगे तो क्या जाएगा, 24x2 ही आ जाएगा, x2 ही आ जाएगा, माइनस का माइनस ही आएगा। 24 2 जो 48, एक्स की पावर 3, ठीक है, ये सॉल्व हो गया है ना। अब क्या करना है हमें, एक्स इक्वल टू 2 रखना है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। देखो कैसे, 24 2 की पावर 2, एक्स की पावर 2 की देना तो 2 की पावर 2, माइनस 48 2 की पावर 3, ठीक है। चलो 2 की पावर 2 का मतलब यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 2 टाइम है, 24 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 48 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, 24 2 जा 48 48 2 जा 96, माइनस 48 2 जा 96 और 2 2 जा 4, तो 96 इंटू 4, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 96 तो एज इट इज़ आ जाएगा, 6 4 जा 24 2 9 4 जा 36 और 2 38, तो ये आ गया 384, ठीक है। 384 में से 96 माइनस करेंगे, पहले तो 84 माइनस कर देते हैं तो बच जाएगा हमारा 300, 6 माइनस कर देते हैं 294 आ जाएगा, ठीक है, और 6 और माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 288 माइनस के 288। क्यों आया माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू हमारी बढ़ी थी, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, भी ऐसा ही है, 18 भी ऐसा ही है और 19 भी ऐसा ही है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। मैं कराता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है आपके, 17 में है ए बी, ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें क्या हो जाता है मार्कर में बार बार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर ए की वैल्यू, यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है और बी की वैल्यू है यहाँ पर 1/2, ठीक है। ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1/2। पहले तो क्या कहा है उसने, फाइंड द प्रोडक्ट, पहले तो प्रोडक्ट करेंगे। तो देखो मैं क्या करता हूँ, पहले ए बी लिखता हूँ, जिसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं ना उसको मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर, होता क्या है जबकि पहले वो वैल्यू लिखते हैं जिसमें हम मल्टीप्लाई करनी होती है, पहले लिखेंगे ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए बी, फिर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए बी, जिसकी मल्टीप्लाई करते हैं ना वैल्यू की उसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए की पावर 3 बी, प्लस ए तो है नहीं तो ए तो ऐसे लिखा जाएगा, बी की मल्टीप्लाई बी में करेंगे, बी की पावर 3, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। अब क्या करना है, ए की वैल्यू पुट करनी है और बी की वैल्यू पुट करनी है। ए इक्वल टू क्या है, 2, तो 2 की पावर 3, बी क्या है 1/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 3, जिसकी पावर 3 है 3 टाइम लिखा जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1/2, प्लस भी तो था यार बीच में, यहाँ पे प्लस था, प्लस प्लस यहाँ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 2 जा 4,
प्लस इस टू से ये टू कट जाएगा, वन वन जा वन अपॉन फोर, एलसीएम लेंगे दोनों का एलसीएम आ जाएगा फोर, वन फोर जा फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन, प्लस फोर वन जा फोर, वन वन जा वन, तो क्या आ जाएगा सेवनटीन अपॉन फोर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, 19 में क्या है देखो ध्यान से, 19 में उसने कहा है माइनस थ्री वाई इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे माइनस थ्री वाई की मल्टीप्लाई करनी है एक्स वाई में और फिर वाई स्क्वायर में, तो एक्स वाई मल्टीप्लाई माइनस थ्री वाई और प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस थ्री वाई। माइनस का है तो माइनस में लिखा जाएगा, तो ठीक है देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस थ्री के साथ में कुछ नहीं है तो थ्री का थ्री आ जाएगा, न्यूमरल वैल्यू तो है नहीं कोई तो यही लिख देंगे, एक्स भी नहीं है तो एक्स को भी एज इट इज लगे, एक वाई ये रहा एक वाई ये रहा, वाई की पावर टू। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, न्यूमरल वैल्यू थ्री है बस तो थ्री को एज इट इज लिख देंगे, एक्स इसमें है नहीं वाई की वाई में करेंगे वाई की पावर थ्री। यहाँ पर इसने हमें वैल्यू भी दी है, क्या वैल्यू दी है एक्स इक्वल्स टू क्या है फोर और हमारा वाई इक्वल्स टू है फाइव, पुट करेंगे इसमें पुट कर लेते हैं, देखो माइनस थ्री एज इट इज़ लिखा जाएगा इंटू एक्स, एक्स क्या है हमारा फोर मल्टीप्लाई वाई की पावर टू, वाई क्या है हमारा फाइव, फाइव की पावर टू। ठीक है, माइनस थ्री इंटू फाइव की पावर थ्री। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव, माइनस थ्री मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव फोर जो हंड्रेड, थ्री जो थ्री हंड्रेड। ठीक है, तो माइनस थ्री हंड्रेड। ठीक है, यहाँ पर इनकी भी मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी माइनस फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव, फाइव जो वन ट्वेंटी फाइव, वन ट्वेंटी फाइव थ्री जो थ्री सेवेंटी फाइव, माइनस के थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव। ठीक है, अब ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, अब जब माइनस की दोनों वैल्यू होती है तो क्या होता है प्लस हो जाता है, तो माइनस के 675 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19, कर लिया हमने। अब 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 सब एक जैसे हैं। ठीक है, मैं आपको कराता हूँ, 19 कराया ना मैंने, 20 नहीं करा रहा हूँ, 21 देखो, 21 में क्या है a इंटू बी माइनस सी माइनस बी इंटू सी माइनस ए माइनस सी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, सेम एज मल्टीप्लाई करनी है, बी की मल्टीप्लाई करेंगे ए में, बी मल्टीप्लाई ए माइनस सी की मल्टीप्लाई करेंगे ए में, ये स्टेप हो गया फर्स्ट, यहाँ तक हो गया। दोबारा अब इसकी देखो, सी की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी में, तो सी प्लस का है ना, तो प्लस सी मल्टीप्लाई माइनस बी, माइनस का है ए मल्टीप्लाई माइनस बी, ए प्लस का है प्लस ए मल्टीप्लाई माइनस सी, माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस सी। ठीक है, देखो ए मल्टीप्लाई बी ए बी, माइनस ए मल्टीप्लाई सी माइनस ए सी, ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई, ये सी नहीं है कभी से सी से मिल लो, माइनस बी सी, इनकी करेंगे माइनस माइनस प्लस ए बी, इनकी करेंगे प्लस माइनस माइनस ए सी, इनकी करेंगे माइनस माइनस प्लस बी सी। ठीक है, अब देखो प्लस ए बी प्लस ए बी, प्लस के तो हो गए टू ए बी। ठीक है, माइनस ए सी माइनस ए सी, माइनस के टू ए सी, माइनस बी सी प्लस बी सी, ये कट हो जाएंगे। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद करते हैं 22, आपको अपने आप करना है। इसके बाद करते हैं 23।
23 में क्या है, 23 में है एक्स इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 3x इंटू 2x² माइनस 1 प्लस 4x² प्लस 4। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। x की मल्टीप्लाई x में होगी पहले, तो फिर प्लस 4 की मल्टीप्लाई किस में होगी, x में। ठीक है, अंदर वाले की बाहर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे सबकी। 2x² की प्लस क्या है ना, प्लस 2x² मल्टीप्लाई 3x और माइनस 1 मल्टीप्लाई 3x, और इनमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगी क्योंकि ये बिल्कुल अलग लिखे हुए हैं। प्लस 4x² प्लस 4। ठीक है, जिस ब्रैकेट के बाहर वैल्यू होती है उसी में मल्टीप्लाई होती है, अगर वैल्यू में मल्टीप्लाई नहीं होती है। एक्स के एक्स में करेंगे x², 4 के एक्स में करेंगे 4x, देखो 2 की 3 में करेंगे 6, x² के एक्स में करेंगे x³, माइनस की 3x में करेंगे 3x माइनस के, प्लस 4x² प्लस 4। अब लाइक टर्म ढूंढेंगे, इनमें लाइक टर्म कौन सी है। देखो क्यूब वाली टर्म कितनी है इसमें, एक ही है बस, तो इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब स्क्वायर वाली टर्म देखते हैं कितनी है यहाँ पर। एक तो ये रही 1x² तो ये रहा, और 4x² ये रहे, तो टोटल कितने हो गए, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है। यहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है, 1x² प्लस 4x² प्लस के 5x² ठीक है। इसके बाद x² वाली टर्म हो गई हमारी 4x और माइनस 3x, 4x माइनस 3x, तो 4x में से 3x माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, माइनस प्लस के 1x, और 1 को हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, अब कोई ऐसी टर्म है जिसमें x ना हो, नहीं, प्लस के 4। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। ट्वेंटी फाइव क्या है, ये सूख जाता है बहुत तेज। चलो 25 क्या है हमारा, a² b मल्टीप्लाई ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी स्क्वायर 4ab माइनस 2a² माइनस a³b इंटू 1 माइनस 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का है ना, a मल्टीप्लाई a²b माइनस b मल्टी स्क्वायर मल्टीप्लाई a²b हो गए अंदर वालों की बाहर में दोनों में। ठीक है, अब 4ab की किस में करेंगे, a प्लस बी स्क्वायर में, तो प्लस 4ab मल्टीप्लाई ab² देखो आपके मन में ये आ रहा होगा, प्लस कहाँ से आया, 4 से पहले तो कोई प्लस नहीं था बेटा, ये प्लस का ही तो है वैल्यू। ठीक है, ऐसे कर लेंगे, उसके बाद माइनस 2a² मल्टीप्लाई प्लस के ab² ठीक है, उसके बाद फिर से प्लस 1, 1 देखो प्लस का है ना, प्लस 1 मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, एक ये प्लस का है माइनस का है, माइनस का है तो ब्रैकेट में लिखेंगे a³b। अब किसकी मल्टीप्लाई किसमें होगी, माइनस 2b की मल्टीप्लाई किसमें होगी, माइनस a³b, दोनों माइनस के हैं। ठीक है, तो माइनस 2b मल्टीप्लाई इसे लिख लेंगे ब्रैकेट में, माइनस a³b। ठीक है, चलो इनकी मल्टीप्लाई करते, ए में करेंगे a³b माइनस ए अकेला है तो a² एज इट इज़ आया, b² और b की पावर 3, 4 की कोई न्यूमरल वैल्यू नहीं है तो ऐसे लिख देंगे 4 को, ए ये रहा एक, ए ये रहा ए की पावर 2, b और b² b की पावर 3। ठीक है, ये देखो ये माइनस का है प्लस का है, प्लस माइनस माइनस,
टू के कोई न्यूमरल वैल्यू नहीं है साथ की, तो टू को ऐसे दे, ए है यहाँ भी ए है, तो ए की पावर 3b² बी के साथ कुछ नहीं है, तो ऐसे लिख देंगे जो बचा हुआ। ये प्लस का है 1, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस ए क्यूब एज इट इज, बी भी एज इट इज, इनके साथ की कोई वैल्यू नहीं। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस 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 प्लस, टू के साथ की कोई वैल्यू नहीं है जिसमें मल्टीप्लाई करें, टू को ऐसे लिख देंगे। ए के साथ की कोई वैल्यू नहीं है, ए को ऐसे लिखेंगे। बी के साथ की है, एक एरी बी स्क्वायर हो जाएगा। देखो पहले मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरल साइन की, पहले साइन की देखें हमने, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर हमने न्यूमरल वैल्यू की, कुछ भी नहीं है न्यूमरल वैल्यू, तो एज इट इज़ लिख दिया। फिर हम ए की करेंगे ना कि बी की, पहले ए की करते हैं और फिर बी की करते हैं, और सी है तो फिर सी की करते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गई, अब देखते हैं कौन सी वैल्यू हमारे पास सेम है। ए क्यूब बी है कहीं पर, ये रहता देखो, ए क्यूब बी माइनस का, ए क्यूब बी प्लस का, तो ये कट हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस के 1a² b³ 4a² b³। हाँ देखो माइनस के तो 1 1 है यहाँ पे, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 मानते हैं। माइनस के तो 1a² b³ है, और प्लस के कितने हैं 4a² b³। माइनस के ज़्यादा हैं प्लस के, प्लस के ज़्यादा है ना, प्लस के कितने हैं 4, और माइनस के कितने हैं 1, तो 4 - 1 3, तो क्या बचेगा, प्लस के बचेंगे 3a² b³, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, माइनस के 2a³ b² ए बी ए बी, ए की पावर 3 यहाँ भी ए की पावर 3, बी की पावर 2 यहाँ भी बी की पावर 2। लाइफ टर्म का पता कैसे चलता है, वेरिएबल भी सेम होने चाहिए और उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए। अब यहाँ भी कह सकते थे हम, यहाँ भी ए है बी है, 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 बट ये लाइक नहीं है। लाइक वो होती है जिनकी पावर भी सेम होती है, देखो ये लाइक है दोनों, ए क्यूब बी स्क्वायर बी स्क्वायर, इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो माइनस के ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस के 2a³ b², ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, कितने हैं ये, माइनस के 2 है और प्लस के 2 है, ये कट हो जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। ये थी आपकी एक्सरसाइज 6c, ठीक है। 26 क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, कल करेंगे 6d। आज के लिए इतना ही।